मॉर्निंग फ्रॉम जोधपुर। सो हम यहाँ पर कल रात को ही आ गए थे, लाइक 7:30-8 के करीब। तो अजमेर से भी लेफ्ट फ्रॉम 2 एंड देन 7 बजे तक हम जोधपुर आ गए थे। सो रात का कुछ ज़्यादा मैंने वीडियो शूट नहीं किया, वो थका हुआ था। सो यहाँ पर बस डिनर किए एंड देन पूल साइड बॉनफायर करके थोड़ा डांस वांस किए, गाना वाना गाए एंड देन वी स्लेप्ट। तो आज सुबह से हमारा जोधपुर का ट्रिप स्टार्ट होगा। सो वी विल बी कवरिंग 2-3 मेन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस। जोधपुर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस खूबसूरत है। मेहरनगढ़ फोर्ट है एंड 2-3 पैलेसेस है, उदय भवन पैलेस वगैरह। तो हम वो सब कवर करके वी विल बी लिविंग। सो दिस इज़ आवर रिजॉर्ट एंड ये हमारे टूर गाइड हैं। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल रिजॉर्ट इन जोधपुर, अमारा ट्री हाउस करके। सो वी विल तो वी स्टेड ओवर हियर अभी। मैंने रात को रिजॉर्ट बराबर से देखा भी नहीं क्योंकि लिमिटेड लाइट्स चालू थे एंड यहाँ पर लोग जो सो गए थे। बट द रिजॉर्ट इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल, मैं इसका लिंक डाल दूंगा। एंड चलो अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन सामान वगैरह कुछ पैक करके देन वी विल बी लिविंग टू एक्सप्लोर दिस सिटी। We have reached this place, Mehrangarh Fort, which is the heart of the main fort of Jodhpur. Beautiful place. So यहाँ का entry fees is like कुछ 300 रुपये के आसपास कुछ entry fees है, जिसमें अंदर एक lift है जो आपको ऊपर लेके जाती है। तो overall charges हम मिला के इसका कुछ 300 रुपया होता है। And professional guests allowed नहीं है, selfie stick and all ये सब अंदर allowed नहीं है। तो जो भी है वो मुझे hand से shoot करना पड़ेगा। It's a beautiful fort. मेहरनगढ़ संस्कृत में मिहिर मतलब सन और गढ़ मतलब फोर्ट यानी सन फोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। मेहरनगढ़ फोर्ट शहर के बीच 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी दीवारें 36 मीटर यानी 118 फीट लंबी और 21 मीटर यानी 59 फीट चौड़ी है। ये फोर्ट में दाखिल होने के 7 दरवाजे हैं। जयपुर गेट ऑफ विक्ट्री जो महाराजा मान सिंह ने 1806 में बनाया था जयपुर और बीकानेर को फतेह करने के बाद। फतेहपुर ये मुगलों को 1707 में हराने की खुशी में बनाया गया था। देड़ कामगरा पोल यहां आपको तोप के गोलों के निशान दिखाई देंगे। लोहा पोल जो सबसे आखिरी गेट है इस किले का। जोधपुर का निर्माण 1459 में मारवाड़ के कैपिटल के रूप में राव जोधा ने किया था। राव नारा की मदद के साथ ये किले की बुनियाद 12 मई 1459 को हुई। जिस पहाड़ पे ये किला बना है उसे पहले बकुर चीरिया कहा जाता था, मतलब माउंटेन ऑफ बर्ड्स। कहा जाता है ये किला बनाने के लिए वहां बसे एक लौते रहिवासी चीरियानाथ जी, जिन्हें लॉर्ड ऑफ बर्ड्स कहा जाता था, उन्हें हटाना जरूरी था। राव जोधा के कई बार कहने पर भी वो पहाड़ को छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर राव जोधा ने
अंत में आकर एक बड़े गुरु श्री करनी माता की मदद के लिए ये पहाड़ खाली कराना चाहा। श्री करनी माता को देखकर चिड़ियानाथ जी ने वो पहाड़ को छोड़ दिया, पर जाते जाते एक श्राप दे गए कि ये किले में हमेशा पानी की कमी होनी चाहिए। इस श्राप से बचने राव जोधा ने चिड़ियानाथ जी के लिए किले में ही एक घर और मंदिर बनवाए। श्री करनी माता की ये शक्ति देख राव जोधा ने उन्हें किले के निर्माण के फाउंडेशन रखने की इच्छा की। आज के जमाने में बस बीकानेर और जोधपुर का किला राठौर के हाथों में है, बाकी के सब किले खाली या नष्ट करा दिए गए हैं।